नमस्कार, स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। अमेठी हत्याकांड के पीड़ित परिवार ने लखनऊ पहुंचकर सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान समाजवादी पार्टी के बागी विधायक मनोज पांडे भी मौजूद थे। सीएम योगी से मुलाकात के बाद पीड़ित परिवार ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कार्रवाई से हम संतुष्ट हैं। सीएम योगी ने पीड़ित परिवार को आवास और 5 बीघे खेत का पट्टा, आयुष्मान कार्ड और परिवार के एक शख्स को नौकरी देने के निर्देश दिए। योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है पीड़ित परिवार ने और आप मौजूद रहे, क्या कुछ रहा सर इस मुलाकात में? देखिए, जो घटना परसों एक दर्दनाक और दुखद घटना अमेठी जनपद में घटी थी, उस घटना में जो लोग पीड़ित पक्ष था वो हमारी विधानसभा क्षेत्र ऊंचा हार के सुदामापुर ग्राम पंचायत का रहने वाला था। मैं धन्यवाद दूंगा उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को कि जहाँ उन्होंने इस घटना को कारित करने वाले व्यक्ति को उसके अंजाम तक पहुँचाया और आज वो जेल के शिकंजों के पीछे है और ये एहसास कराए कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों के लिए कोई स्थान नहीं है, मैं इसके लिए आभार प्रकट करूंगा। वहीं माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज ये भी एहसास कराया कि ना केवल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं बल्कि 25 करोड़ उत्तर प्रदेश की जनता के वो संरक्षक हैं और गार्जियन भी हैं। वो आज पीड़ित परिवार के साथ मिल करके उन्होंने पूरी उनसे अपनी संवेदना व्यक्त किया है और पीड़ित पक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी से पूर्णतया संतुष्ट है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन्हें एक मृतक आश्रित में नौकरी, उन्हें आर्थिक सहायता दिए जाने का और जमीन के आवंटन किए जाने का, उन्हें एक मुख्यमंत्री आवास दिए जाने का और इनको कई अन्य सुविधाओं के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दे दिया है और परिवार माननीय मुख्यमंत्री जी से पूर्णतया संतुष्ट है। ये बताएं कि विपक्ष इस तरह की घटनाओं को लेकर अमूमन सियासत करता है, इस घटना पर भी इसी तरह की विपक्ष सियासत कर रहा है, किस तरह से? मैंने कहा कि कुछ देश में और कुछ ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिनमें व्यक्ति को मानवता को देखना चाहिए और पीड़ित पक्ष के साथ खड़ा होना चाहिए। ये राजनीति का अवसर नहीं। काश जो लोग वहाँ राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं इनके आंखों के आंसू को पोंछने का काम करते तब तो मैं मानता, ये काम तो किया नहीं उन्होंने। क्यों राजनीति करने का काम कर रहे हैं? न्याय देने का काम उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया और आज ये परिवार कैसे आगे बढ़े और कैसे सर्वाइव करे उसके लिए मैंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने सहृदयता से, खुले दिल से इस परिवार से 35 मिनट बातचीत किया और इनको तमाम चीज़ों से, इनको आर्थिक रूप से आर्थिक सहायता दिए जाने का, मृतक आश्रित में नौकरी दिए जाने का, इनको तत्काल जमीन आवंटन किए जाने का, मुख्यमंत्री आवास दिए जाने का, ये तमाम चीज़ों का आश्वासन भी दिया। संतुष्ट है आप? हाँ, संतुष्ट है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात हुई और उसके बाद आप संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट है। हमारे परिवार को, हमारे भविष्य के लिए हम काम कर नहीं सकते, बोलो हमारे लड़के के लिए एक को जो उन्होंने नौकरी दे दिया इसीलिए हमारे बहुत है, हमको जो जमीन दे देंगे उसी में हम मजदूरी करके खा लेंगे, किसी के लगे हाथ फैलाने के लायक नहीं रहेंगे। हाँ, रहने के लिए छत दे दिया हमको, यही अच्छी बात है। बिल्कुल। अमेठी में शिक्षक, उनकी पत्नी और 2 नाबालिग बच्चों की गोली मारकर हत्या करने वाला मुख्य आरोपी चंदन वर्मा एनकाउंटर में घायल हो गया। आरोपी पुलिसकर्मी की पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश कर रहा था तभी यह एनकाउंटर हुआ। इस दौरान चंदन वर्मा के पैर में गोली लगी। हत्याकांड में इस्तेमाल पिस्टल की बरामदगी के लिए ले जाते समय चंदन वर्मा ने पुलिसकर्मी की पिस्टल छीनकर दरोगा पर फायरिंग की थी। UPSTF ने कल ही हत्यारोपी चंदन वर्मा को जेवर टोल प्लाजा से गिरफ्तार किया था। बीती रात सुरतनगंज पुलिस व मोहनगंज पुलिस अभियुक्त चंदन वर्मा को लेकर वहां पहुंची जहां पर उसने घटना में इस्तेमाल बुलेट, मोटरसाइकिल और पिस्टल को छिपाया हुआ था। इसी दौरान अभियुक्त चंदन वर्मा ने सुरतनगंज थाने में तैनात दरोगा की सर्विस रिवॉल्वर को छीनकर ताबड़तोड़ पुलिस पर फायरिंग करने की कोशिश में जुट गया, जिसमें जवाबी कार्रवाई में अमेठी पुलिस ने गोलियाँ चलाई और ये आप देख सकते हैं यही वो जहां पर उसने पुलिस पर गोली चलाने का प्रयास किया और यहां पर बुलेट मोटरसाइकिल छिपाया हुआ था और सर वो जो पिस्टल जिससे उसने 10 राउंड फायरिंग की थी गुरुवार की शाम, जिसमें पूरे परिवार की मौत हो गई थी। शिक्षक सुनील कुमार, उनकी पत्नी पूनम भारती, सृष्टि लाडो, उनकी 2 बेटियां, तो आप ये जगह देख सकते हैं। News 18 उस स्पॉट पर पहुँचा हुआ है, ये खून के दाग यहाँ पर पड़े हुए हैं और पुलिस ने इसको मार्क किया हुआ है। कई जगह, काफ़ी जगह आपको ये ब्लड्स मिल जाएंगे जो अभियुक्त चंदन वर्मा के हैं। तो पूरे मामले पर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी तत्परता दिखाई और उत्तर प्रदेश के तमाम वो पुलिस के बड़े अफसर अमेठी पहुंचे और घटना से 24 घंटे के भीतर ही पूरे मामले पर खुलासे के लिए सभी को निर्देशित किया गया। SP अनूप सिंह के साथ उत्तर प्रदेश पुलिस STF के कई जवान इस
घटना के अनावरण में जुट गए और बीती रात चंदन वर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया है। पप्पू पांडे, न्यूज 18, पूरे दीवान गांव अमेठी। अमेठी हत्याकांड के आरोपी चंदन वर्मा को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। अस्पताल से जाते समय मीडिया के कुछ सवालों पर आरोपी चंदन ने जवाब दिया। आरोपी चंदन वर्मा ने पूनम से संबंध की बात को नकार दिया। कहां से मिली पिस्टल? कौन सी पिस्टल? जो पिस्टल से हमने हत्या की चारों। पछतावा है आपको? अपने पछतावा है भैया? पछतावा है। अच्छा, बच्चों को क्यों मारा? चंदन, बच्चों को क्यों मारा? बच्चों को तुमने क्यों मार दिया? गलती हो गई। कितना दिन से संबंध था पूनम से? भैया संबंध तुम्हारा कितने दिन से था? क्या कहना चाहते हो चंदन? ये क्या कहोगे इस घटना को लेकर? क्या कहोगे? खबर अमेठी हत्याकांड से जुड़ी हुई है। पूनम के भाई का यह कहना है कि उसकी बहन और चंदन के बीच प्रेम संबंध नहीं था, पड़ोसी होने की वजह से पहचान हुई। बाद में चंदन वर्मा पूनम को परेशान करने लगा था, कई बार पुलिस से शिकायत की। पूनम के भाई ने पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। पूनम के भाई ने कहा कि कई बार शिकायत और जान से मारने की धमकी के बाद भी पुलिस ने हल्की धाराओं में केस दर्ज किया था। तो चार की मर्डर कर दिया उसने, चार को गोली मार दिया है, तो चौथा नाम मेरा है। इसलिए बोलता, फोन धमकी देता था कि मैं पांचों को मार दूंगा। इसलिए वो हमको, हमसे ही डरता था कि ये जानता था कि ये यही सबसे जिसके पास सबूत सब यही जानता है, पूरी बात में जानता था, डेली बात होती थी, सब चीज़ में जानता था उसके बारे में। अच्छा, ये कहानी कहाँ से शुरू हुई थी? कहानी ऐसे स्टार्ट हुई कि रायबरेली में दीदी और जीजा रूम लेके रहते थे, इंदिरा नगर में रहते थे, तो वो भी बाजू में रूम लेके रहता था। जीजा मैं प्लाट लिखवाया था एक नाम, तो उसी के चक्कर में दीदी से बहला फुसला लेता था और पिस्टल दिखाता था, कि पिस्टल दिखा के रखता था अपने कनपट्टा, जबरदस्ती बात करता था पिस्टल दिखा के कि हमसे बात करो, मोबाइल छिना के जबरदस्ती उसने नंबर सेव किया, उसने बात करना स्टार्ट किया। घटना 19 मई की है। उसने फ़ोटो खींचा और हम साथ जा रही थी, वो मौसी के यहाँ ले जा रहे थे, उसने फ़ोटो खींचा, वही वायरल फ़ोटो कर रहा है। और उसके बाद फ़ोटो खींचने के बाद वही सबको दिखा रहा, बाकी ऐसी कोई अवैध संबंध जैसी बात सालों से ऐसा कुछ। मार्च से मेरे पास पूरी डिटेल है कि मार्च से लेके मई के बीच 2 महीने फ़ोन में जबरदस्ती बात करता था, जबरदस्ती बात करता था वो। कि चंदन वर्मा ने अपने दीदी और जीजा बच्चों को दवा कराने गए थे 18 अगस्त को, मेरे पास फ़ोन किया चंदन वर्मा और उसकी माँ और उसको मारने के लिए तक, तो मेरी दीदी रो रही थी। जब मैं वहाँ पहुँचा, मेरा मौसी का लड़का था और मैं था, वहाँ पहुँचा देखा मेरी दीदी बहन रो रही थी, बच्चे बिलख रहे थे बाजू में, उनको देख के मैं आंसू आ गए। उसके बाद हमें बच्चों को उठा के पूछा क्या हुआ, तो दीदी ने बताया कि चंदन ने मारा है तुम्हें जीजा जी को, तो भानु इनको जेल भेजना है, जहाँ जो हो जाए भले हमारी जान चली जाए। उसी दिन नहीं तो उसके बाद फिर जाकर इंदिरा नगर चौकी में हमने इंदिरा नगर चौकी में दिया। हमने उनसे सर से बोला भी कि सर कट्टा रखा हुआ पीछे, इस पिस्टल ले लिया, पिस्टल है इसके पास, तो पिस्टल और बुलेट की चाबी अपनी मम्मी को दे दी, अंदर जा गया तो बोला तो मिला करके पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं। हाँ, कुछ नहीं कार्रवाई। उसके बाद बंद बैठाए हुआ था, बैठाए के बाद कोतवाली भेज दिए, कोतवाली में उसको लॉकर में डाल दिए। तो उसके बाद बोले कि वहाँ कोतवाली में बोले आप जाओ, तो मेरी दीदी बोली आत्मदाह कर लेंगे जब तक इसको नहीं भेजेंगे, इसके इसमें नहीं जेल में नहीं भेजेंगे जब तक नहीं आत्मदाह कर लेंगे हम। उसके बाद वहाँ पे बैठाए हुए थे 6 बजे से लेके 12 बजे तक का FIR नहीं लिखी गई। उसके बाद जीजा जी हमारे अंदर जाके बोले एसओ साहब से कि ऐसा है कि हमें मत जान चाहिए, जब आप FIR लिखोगे क्या? तो उन्होंने बोला कि ऐसे कैसे बात करते हो। तो फिर उसके बाद वहाँ पे हमने कहा पुलिस में कार्यरत हैं, कहें कितने साल, कहें कौन से सिविल पुलिस में थे या दूसरी पुलिस आते उसमें, तो हमने कहा नहीं सिविल में थे, कितने एक साल थे कार्यरत, पहले बताना चाहिए थी, FIR हुई है, लेकिन उसके बाद 41 देकर छोड़ दिया गया। मुझे जेल गया होता तो आज ऐसी घटना नहीं देखना पड़ता। राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने अमेठी में मारे गए लोगों के अंतिम संस्कार में शिरकत की। इस मौके पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने विधायक मनोज कुमार पांडे पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मानवता भूलकर ऊंचाहार विधायक पीड़ित पिता को लेकर मुख्यमंत्री से मुलाकात करने पहुंचे। उन्होंने मांग की कि पीड़ित परिवार को आर्थिक लाभ मिले और दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की जाए, अन्यथा बड़ा आंदोलन किया जाएगा। विभिन्न थानों में रायबरेली के भी और अमेठी के भी भिन्न भिन्न थानों में प्रार्थना पत्र दिया था, छेड़खानी की शिकायत की थी, साथ ही साथ FIR भी दर्ज हुई थी।
लेकिन ना अमेठी की पुलिस सुनी ना रावली की पुलिस सुनी। अगर समय रहते कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई हो गई होती तो आज चार चार हत्याओं का नजारा देखने को नहीं मिलता। ये जो चार चार हत्याएं हुई हैं ये पुलिस की लापरवाही से हुई हैं। और चलिए बात करते हैं कुछ और खबरों की। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्या ने एसपी और अखिलेश यादव पर निशाना साधा। केशव प्रसाद मौर्या ने कहा कि अखिलेश यादव के पास बयानबाजी के अलावा कुछ भी नहीं है। समाजवादी पार्टी का मतलब गुंडों की पार्टी है। केशव मौर्या ने कहा कि यूपी में जितने भी अपराध हो रहे हैं और जो बड़े अपराध की घटनाएं हुई हैं उनमें समाजवादी पार्टी के लोग ही शामिल हुए हैं। जो शीशे के घर में रहता है ना, तो सामने जब पत्थर फेंकेगा तो उसको पता है क्या होगा। तो श्री अखिलेश यादव जी कि बयानबाजी केवल थोथी है, गैर जिम्मेदाराना है। मैंने बताया कि अपराधियों को लगातार संरक्षण देने वाला है। जितने बड़े से बड़े अपराध हो रहे हैं, अपराधों का खुलासा हो रहा है, उसमें समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोगों का खुलासा हो रहा है, वो लोग बाहर निकल कर के आ रहे हैं। इधर इंडिगो एयरलाइंस का सर्वर डाउन होने से यात्रियों की परेशानी बढ़ गई। दोपहर 12:30 बजे से इंडिगो का सर्वर डाउन है। सर्वर स्लो होने से यात्री परेशान हो रहे हैं। सिस्टम स्लो होने से फ्लाइट की बुकिंग पर असर पड़ा है। गाजियाबाद के डासना मंदिर के महंत यति नरसिम्हानंद के विवादित बयान को लेकर बवाल मचा हुआ है। नरसिम्हानंद के बयान से नाराज होकर कुछ लोग कल देर रात गाजियाबाद में डासना देवी मंदिर के बाहर इकट्ठा हो गए और धरना प्रदर्शन की कोशिश की। हालांकि पुलिस की मुस्तैदी के चलते कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। पुलिस के मुताबिक हालात काबू में हैं। एहतियात के तौर पर मंदिर के पास भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। उधर यति नरसिम्हानंद के विवादित बयान के बाद कल बुलंदशहर में भी जमकर बवाल हुआ था और नमाज के बाद लोगों ने पथराव किया था। डासना के सिद्धपीठ देवी मंदिर के महंत यति नरसिम्हानंद के द्वारा अली और मोहम्मद के ऊपर दिए गए बयान के बाद ही यहां तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा, जहां एक और कई जगह धरना प्रदर्शन हुए थे। वहीं कल देर रात यहां पर भी कई युवक यहां आ गए थे मंदिर के बाहर ही, और मंदिर के बाहर आकर यहां प्रदर्शन करने की भरपूर कोशिश की थी। हालांकि समय रहते यहां पुलिस आ गई थी और उनको यहां से खदेड़ भी दिया गया था। उसके बाद से ही एहतियात के तौर पर भारी तादाद में यहाँ पुलिस बल तैनात कर दिया गया है, साथ ही पीएससी की टुकड़ी तैनात कर दी गई है। और जो लोग यहाँ आने जाने वाले हैं, आप देख सकते हैं तमाम लोगों की आईडी देखने के बाद ही उनको अंदर भीतर अंदर प्रवेश करने दिया जा रहा है। आपको बता दें ये पहली मरतबा नहीं है, इससे पूर्व भी कई बार यति नरसिम्हानंद द्वारा इस तरह की बयानबाजी की है, जिसको लेकर वो सुर्खियों में आए, उनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज हुई। हालांकि इस बार के बयान पर भी उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। जो मुस्लिम समुदाय के युवक थे, जो लोग थे, उनका कहना ये था कि उनके ऊपर एफआईआर हर बार होती है, इस बार उनकी गिरफ्तारी की मांग की बात भी की जा रही थी, जिसको लेकर धरना प्रदर्शन की कोशिश भी की गई। लेकिन हालांकि समय रहते पुलिस यहां पहुंच गई थी और वहां धरना प्रदर्शन नहीं करने दिया। एहतियात के तौर पर अभी भारी तादाद में यहां पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। तो गाजियाबाद के डासना देवी के मंदिर के महंत के द्वारा दिए गए बयान को लेकर सियासत शुरू हो गई है। भीम आर्मी के कार्यकर्ता पुलिस कमिश्नर ऑफिस में धरने पर बैठ गए। ये लोग यति नरसिम्हानंद की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। भारी तादाद में पुलिस बल की तैनाती है। उधर पुलिस गाजियाबाद के घंटाघर कोतवाली थाना क्षेत्र के केला भट्टा इलाके में मार्च कर रही है। यहां पर भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस ने हल्का बल प्रयोग भी किया। पुलिस अनाउंसमेंट कर लोगों को शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील कर रही है। फिलहाल यहां पर स्थिति सामान्य है। बता दें कि केला भट्टा इलाका मुस्लिम बाहुल्य इलाका है। मुरादाबाद में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने प्रदर्शन किया। यति नरसिम्हानंद सरस्वती की ओर से दिए गए विवादित बयान को लेकर लोगों में नाराजगी है। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने यति नरसिम्हानंद के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। मामला कटघर थाना क्षेत्र का है। गाजियाबाद का निवासी बताया गया है। उस व्यक्ति ने कुछ ऐसी बातें कही है जिससे एक समुदाय के लोगों के भावनाओं को ठेस पहुँचा है, जैसा कि लोग अभी बता रहे थे। उसमें मैं अवगत कराना चाहूँगा कि इसमें उस शख्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है और उसमें कानून अपना काम कर रहा है। वहाँ की लोकल पुलिस जो भी नियमानुसार कार्रवाई हो कर रही है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि इस तरह के लोग अगर कहीं पर विधि के विरुद्ध कोई कार्य करते हैं तो पुलिस अपना काम करती है।
गाजियाबाद के डासना मंदिर में रामलीला मंचन के दौरान पुलिस ने 3 मुस्लिम युवकों को गिरफ्तार किया। आरोप है कि युवक अपनी असली पहचान छिपाकर रामलीला में अलग अलग किरदार निभाया करते थे और हिंदू नाम से फर्जी आधार कार्ड से रह रहे थे। 2 आरोपियों के पास से हिंदू नाम के आधार कार्ड बरामद किए गए। 3 आरोपियों को उस समय गिरफ्तार किया गया जब वो अपनी असली पहचान छिपाकर डासना के देवी मंदिर में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे। थाना वेव सिटी पर मुस्लिम समुदाय के 3 व्यक्तियों पर हिंदू नाम बताकर व हिंदू आधार कार्ड दिखाकर मंदिर प्रांगण में प्रवेश करने के प्रयास के संबंध में सुसंगत धाराओं में एक अभियोग पंजीकृत किया गया। अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु थाना स्तर से 2 पुलिस टीमों का गठन किया गया एवं थाना वेव सिटी पुलिस टीम द्वारा अभियुक्तगण राहुल पुत्र निरंजन, वजीर खां पुत्र वली मोहम्मद एवं नानक पुत्र रंजीत को हिरासत में ले लिया गया है एवं अग्रिम वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। प्रयागराज महाकुंभ में इस बार अध्यात्म और ज्ञान का महासंगम होने वाला है, लेकिन उससे पहले शाही स्नान और पेशवाई जैसे उर्दू फारसी नाम को बदलने पर मंथन चल रहा है। लेकिन इस बीच साधु संतों ने योगी सरकार के सामने एक और बड़ी डिमांड रख दी है। संगम नगरी प्रयागराज में इस बार अध्यात्म और ज्ञान का महासंगम होने वाला है, लेकिन उससे पहले कुंभ में पेशवाई और शाही स्नान जैसे उर्दू और फारसी शब्दों को बदलकर उनकी जगह दूसरे नाम इस्तेमाल करने की मांग लगातार तेज होती जा रही है। मांग तो ये भी है कि कुंभ जैसे पवित्र मेले में दूसरे धर्म की एंट्री पर भी बैन लगना चाहिए। साधु संतों ने कहा, दूसरे धर्म के लोगों की एंट्री पर रोक लगे, कुंभ में दुकान लगाने वालों की पहचान हो, किसी और मजहब के लोगों को रोका जाए, सिर्फ सनातनियों को ही कुंभ में एंट्री मिले, सुरक्षा में तैनात जवान भी सनातनी हो। साधु संतों की ये मांग उस लिहाज से भी खास है क्योंकि यूपी में नाम छिपाकर दुकान चलाने वालों की दुकान बंद हो रही है। सरकार से अखाड़ा परिषद के से हम यही मांग कर सकते हैं, सनातनियों की ही नियुक्ति किया जा, कहीं से दाएं बाएं से सनातनी विचारधारा के हों, जो आस्था वाले लोग हों, जो कि कुंभ मेले में काम करना चाहते हैं, उनकी श्रद्धा निष्ठा है, उन्हीं व्यक्तियों को, नोडल अधिकारियों को, अनेक प्रकार के विभाग अधिकारियों को, उनको ही विशेष रूप से मेला में भागीदारी दिया जाए। दरअसल सीएम योगी महाकुंभ की तैयारियों की समीक्षा के लिए 6 अक्टूबर को प्रयागराज जा रहे हैं। वो यहाँ महाकुंभ का लोगो और प्रमुख स्नान पर्व की तारीखों का औपचारिक तौर पर ऐलान कर सकते हैं। इसके अलावा सभी अखाड़ों के 2-2 प्रतिनिधियों के साथ बैठक भी करेंगे। सीएम योगी के साथ संतों की बैठक के लिए अखाड़ों के महात्माओं को निमंत्रण भेजा जा चुका है, लेकिन उससे पहले शाही स्नान जैसे उर्दू और फारसी शब्दों को बदलने को लेकर सियासत भी तेज है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी की, योगी आदित्यनाथ जी की कुल उपलब्धि इतनी है 7.5 साल में कि वो बेचारे केवल नाम बदल पा रहे हैं, कभी स्टेशन का, कभी गांव का, कभी सड़क का, कभी किसी योजना का। आगामी जनवरी माह से शुरू होने वाले महाकुंभ को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय बनाने और उसकी साख में और 4 चांद लगाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पूरी शिद्दत से लगे हैं, पूरी गंभीरता से लगे हैं। ऐसे में अगर कोई नए प्रयोग किए जाएँ, नई चीज़ें इस्तेमाल की जाएँ, तो उससे निश्चित रूप से महाकुंभ की गरिमा बढ़ेगी, और अगर ऐसा होता है तो ये महाकुंभ के लिए अच्छा होगा और उसके हित में होगा, श्रद्धालुओं के हित में। हिंदू धर्म में यूं तो बहुत से पर्वों को शुभता और उत्साह के साथ मनाया जाता है, लेकिन जब भी बात होती है कुंभ की तो उत्साह दोगुना और अध्यात्म चरम पर होता है। इस बार प्रशासन कुंभ मेले के लिए विशेष व्यवस्था करने में जुटा है, तो साधु संत भी अपनी मांगों के साथ तैयारियों में जुटे। सभी लोग पदाधिकारियों के सामने, आदरणीय मुख्यमंत्री के सामने अपना एक पक्ष रखेंगे कि जो भी एक शाही शब्द है उसको हटा के या कोई भी अन्यत्र जो भी इसमें मीटिंग में पारित होगा उसके लिए हम लोग सब लोग स्वीकार करेंगे। पेशवाई का ही नाम चेंज करके जो भी हम लोग कहेंगे और शाही पेशवाई कोई दूसरा नाम देंगे जो संत लोग, उसके लिए सभी लोग हम लोग मान्य करेंगे। और आदरणीय हमारे परम पूज गुरुदेव भगवान अभी अमेरिका में हैं, वो भी रहेंगे उस बाद में आके जनवरी में, तो सभी लोग जैसा सर्व लोगों का सम्मति से होगा उसका स्वागत होगा। यानी महाकुंभ जैसे पवित्र आयोजन में भी विपक्ष को सियासत नजर आ रहा है। हालांकि नाम बदलने की मांग ना तो बीजेपी की तरफ से की गई और ना ही यूपी सरकार की तरफ से फिलहाल आधिकारिक बयान आया है। ये डिमांड साधु संतों की है और अखाड़ा परिषद की बैठक में बदलाव पर चर्चा भी हो चुकी है। अब इस प्रस्ताव को सीएम योगी के सामने रखा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।